हम लैब टेक्नीशियन की पोस्ट पर तैनात है, अभी हमारी लैब में कोई भी सामान आया नहीं है शासन से, तो कोई काम हो ही नहीं सकता। और यहाँ पे क्या आपको दुविधा हो रही है? दुविधा का पीने के लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, लेके एक लीटर आते हैं वो 10 बजे तक खत्म हो जाता है। यहाँ पे जो मरीज आते हैं उन्हें कहाँ आप रेफर करते हैं? और जनरेटर भी नहीं है, मरीज जो आते हैं वो यहाँ से जिला अस्पताल रेफर कर दिए जाते हैं। यहाँ से कहाँ रेफर करते हैं मरीजों को? यहाँ पे जो भी सुविधाएं हरदोई जिले का ड्रामा प्रदेश का पहला ऐसा ड्रामा होगा जहां से मरीजों को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया जाता है। जिले में चल रहा यह उल्टा क्रम सरकार की उन योजनाओं व प्रयासों की पोल खोल रहा है जिन पर स्वास्थ्य व चिकित्सा के क्षेत्र में प्रगति लाने के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। इतना ही नहीं, यहाँ पर तैनात कर्मचारियों को भी मूलभूत सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में सपा कार्यकाल में बना यह ड्रामा महज दिखावे के लिए ही बना खड़ा हुआ है और यहाँ पर रखी करोड़ों की मशीनें धूल खा रही हैं। हरदोई से ईटीवी के लिए आकाश शुक्ला।